Hi friends, welcome to my channel Waheed Hassan. Subscribe करने के लिए red link को press करें और साथ दिए गए bell icon को press करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली videos की notification आपको मिलते रहें. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. अस्सलाम वालेकुम friends. कैसे हैं आप सब? जी friend, आज हम lesson number 110 करने जा रहे हैं. Friends, आज की इस video में हम discuss करेंगे जिन topics को, वो है It has been, it had been, और it will have been. ठीक है, बहुत ही interesting और बहुत ही different topic है. और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी इसकी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. जी फ्रेंड्स, अगर बात हो रही हो प्रेजेंट में तो हम यूज करेंगे it has been. अगर बात हो रही हो पास्ट में तो यूज करेंगे इट हैड बीन. और अगर फ्यूचर में बात हो रही हो तो हम करेंगे इट विल हैव बीन. ठीक है, उर्दू जुमलों के आखिर में अगर आया हो, चुका है या गया है तो तब इट हैज बीन यूज करेंगे. अगर आए चुका था या गया था तब यूज करेंगे इट हैड बीन. ठीक है, अगर आ जाए उर्दू जुमलों के आखिर में चुका होगा या गया होगा तो तब हम इट विल हैव बीन यूज करेंगे. ठीक है, आज हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे और बहुत आसान हो जाएगा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे. ठीक है जी फ्रेंड, अब यहाँ पे तीन सेंटेंसेस हैं, प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी है. ठीक है, मुझे इस कमरे में सोते हुए 2 घंटे हो चुके हैं या हो गए हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इट हैज बीन 2 आवर्स टू मी स्लीपिंग इन दिस रूम. अब इसमें हमने यूज किया इट हैज बीन, और बाकी जुमला जो है वो हमने किस तरह बनाया, आज हमने यही सीखना है. ठीक है, दूसरा जुमला है उसे इंग्लिश सीखते हुए 3 साल हो चुके थे या हो गए थे, तो क्या होगा? इट हैड बीन 3 ईयर्स टू हिम लर्निंग इंग्लिश. मुझे फुटबॉल खेलते हुए 1 घंटा हो चुका होगा या 1 घंटा हो गया होगा. ये हो गया फ्यूचर का जुमला, तो क्या होगा? इट विल हैव बीन 1 आवर टू मी प्लेइंग फुटबॉल. जी फ्रेंड, अब हमने ये देखना है कि इन सेंटेंसेस को कैसे बनाया गया है. ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एक मैंने लाइन लगाई हुई है ग्रीन में, एक मैंने लगाई हुई है रेड में और एक लगाई हुई है येलो में. ठीक है, इट मींस कि इन जुमलों को मैंने हिस्सों में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी एग्जांपल्स के जरिए कि इन जुमलों को हमने कैसे बनाया है. ठीक है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी. सिर्फ चेंज क्या होगा हमारा? इट हैज बीन, अगर माजी में है तो इट हैड बीन, अगर फ्यूचर में है तो इट विल हैव बीन. ठीक है, ये देख ले मैंने ग्रीन, रेड और येलो, हमने इन स्टेप्स को आज सीखना है. ठीक है फ्रेंड्स, जब हम इट हैज बीन, इट हैड बीन या इट विल हैव बीन के साथ टाइम लगा देंगे तो वो जुमले कैसे बन जाएंगे देखें जरा. जैसे 2 दिन हो गए हैं तो क्या होगा? इट हैज बीन 2 डेज. कई घंटे हो गए हैं या कई घंटे हो चुके हैं तो क्या हो जाएगा? इट हैज बीन मैनी आवर्स. 1 साल हो चुका है, इट हैज बीन 1 ईयर. 2 साल हो चुके थे, ठीक है, अब थे आ गया, पहले था ना हैं हैं हैं, तो ये थे हमारे प्रेजेंट के जुमले, हमने यूज किया था हैज बीन. ठीक है, अब आ गया हो चुके थे, तो हमने क्या करना है? इट हैड बीन और उसके साथ टाइम लगा देना है. इट हैड बीन 2 ईयर्स. कई सदियां हो गई थी या कई सदियां हो चुकी थी तो क्या कहेंगे? इट हैड बीन Many centuries. 1 घंटा हो चुका होगा, It will have been
an hour. अब यहाँ पे देखें हो चुका होगा. अब यहाँ पे ये future में बात हो रही है तो हमने क्या use करना है, it will have been. क्या हो चुका है एक घंटा, तो साथ हमने time लगा देना an hour. ठीक है, दो हफ्ते हो चुके होंगे तो it will have been 2 weeks. इतनी बात समझ आ गई आपको कि हमने it has been, it had been, it will have been के साथ जब टाइम लगा देंगे तो वो इस तरह के जुमले बन जाएंगे. दो दिन हो गए हैं, दो दिन हो गए थे, या दो दिन हो चुके थे, या दो हफ्ते हो गए होंगे. ठीक है, और उनके सेंटेंसेस हमने इंग्लिश में ऐसे बनाने हैं. ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप. फ्रेंड नेक्स्ट आ जाता है, जितना हमने पहले समझा कि इट हैज बीन, इट हैड बीन, इट विल हैव बीन के साथ टाइम लगाएं तो वो जुमले कैसे थे. अब टाइम के आगे जब हम टू समवन कर देंगे, ठीक है, यानी किसके बारे में कहा जा रहा है, टू लगा के उसका लिख देंगे. लड़के के बारे में हो रहा है तो टू हिम, लड़की के बारे में हो रही है बात तो टू हर, मेरे बारे में हो रही है तो टू मी, आपके बारे में हो रही है तो टू यू, हमारे बारे में हो रही है तो टू अस, उनके बारे में बात हो रही है टू देम. अब जिस नाउन के बारे में बात हो रही है टू अली, टू फैसल, टू सना. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं. उसे दो दिन हो गए हैं या उसे दो दिन हो चुके हैं तो क्या होगा, इट हैज बीन टू डेज टू हिम. ठीक है, टू डेज तक समझ आ गई बात को. आगे हमने टू जिसके बारे में बात हो रही है हिम, उसे, इट हैज बीन टू डेज टू हिम, मुझे कई घंटे हो गए हैं, इट हैज बीन मैनी आवर्स टू मी, तुम्हें एक साल हो चुका है, इट हैज बीन वन ईयर टू यू, अली को दो साल हो चुके थे, इट हैड बीन टू ईयर्स टू अली. ठीक है, अब ये पास्ट में बात हो रही है तो इट हैड बीन. हमें कई सदियां हो गई थी, इट हैड बीन मैनी सेंचुरीज, कई सदियां हो चुकी थी टू अस, हमें. ठीक है, फैसल को एक घंटा हो चुका होगा, अब ये बात हो रही है फ्यूचर की, इट विल हैव बीन एन आवर, एक घंटा हो चुका होगा किसको, टू फैसल, फैसल को. उन्हें दो हफ्ते हो चुके होंगे, इट विल हैव बीन टू वीक्स, दो हफ्ते हो चुके होंगे किसको, टू देम, उनको. ठीक है, इट विल हैव बीन टू वीक्स टू देम. इतनी बात क्लियर हुई, इतना जुमला समझ में आ गया सबको. ठीक है जी फ्रेंड, अब बात आ जाती है कि अगर हो के पढ़ते हुए, खाते हुए, सोते हुए, खेलते हुए, रखते हुए, जाते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए. फ्रेंड जब ऐसी बात आ जाए तो हम इंग्लिश सेंटेंसेस में फिर जेरंड का यूज करेंगे. जेरंड क्या है, वर्ब के साथ जब हम आईएनजी लगा देंगे. ठीक है, जैसे स्टडिंग, स्लीपिंग, डूइंग, प्लेइंग, रिमेम्बरिंग, मीटिंग, लर्निंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, गोइंग, कमिंग. ठीक है, ये हमारे जेरंड बन जाएंगे. इट हैज बीन, इट हैड बीन, इट विल हैव बीन, फिर टाइम आएगा, फिर टू समवन. इतनी बात समझ आ गई. आगे हमने फिर जेरंड लगाना है जो भी जुमले में होगा, पढ़ते हुए, सोते हुए, करते हुए, फिर बाकी जुमला जो है वो एंड पे कर देंगे. ठीक है, जैसे उसे पढ़ते हुए दो दिन हो गए हैं या उसे पढ़ते हुए दो दिन हो चुके हैं. इट हैज बीन टू डेज टू हिम, पढ़ते हुए तो स्टडी के साथ आईएनजी, ये जेरंड बन जाएगा तो क्या होगा, स्टडिंग. ठीक है, मुझे सोते हुए कई घंटे हो गए हैं. It has been many hours to me sleeping. ठीक है, तुम्हें ये करते हुए एक साल हो चुका है. It has been 1 year, एक साल हो चुका है. To you, तुम्हें, doing करते हुए, this ये. It has been 1 year to you doing this. अली को फुटबॉल खेलते हुए दो साल हो चुके थे. अब माजी में बात हो रही है
तो क्या होगा, इट हैड बीन टू ईयर्स टू अली. अब यहाँ पे क्या आ रहा है, किसका नाम आ रहा है, अली का, तो हम टू अली कह देंगे. ठीक है, क्या करते हुए से 2 साल हो गए, प्लेइंग फुटबॉल. ठीक है, प्लेइंग जेरेंड आ जाएगा और फुटबॉल साथ एंड पे चला जाएगा. हमें याद रखते हुए कई सदियां हो चुकी थी. इट हैड बीन मैनी सेंचुरीज, कई सदियां हो गई थी. टू अस, हमें रिमेम्बरिंग याद रखते हुए. ठीक है, फैसल को मिलते हुए 1 घंटा हो चुका होगा. फ्रेंड मिले की जगह आप मिलते लिखेंगे, मिलते हुए. ठीक है, तो उसका क्या होगा, इट विल हैव बीन एन आवर टू फैसल मीटिंग. ठीक है, उन्हें इंग्लिश सीखते हुए 2 हफ्ते हो चुके होंगे. इट विल हैव बीन 2 वीक्स टू देम. क्या करते हुए, इंग्लिश सीखते हुए, लर्निंग इंग्लिश. ठीक है, जब जुमले में आ जाए पढ़ते हुए, सोते हुए, करते हुए, खेलते हुए, रखते हुए, मिलते हुए. ये मिलते, ठीक है, यहाँ पे मिलते आएगा, मिले नहीं, मिलते हुए, सीखते हुए, तब हमने फिर जेरंड लगाना है. स्टडिंग, स्लीपिंग, डूइंग, प्लेइंग, रिमेम्बरिंग, मीटिंग, लर्निंग. ठीक है, ऐसे ये जुमला हमारा कंप्लीट होगा. मैंने शुरू में 3 जुमले बताए थे, उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. पहले इट हैज बीन और टाइम आ गया, फिर दूसरा हिस्सा टू सम आ गया, फिर जेरेंड आ गया. बाकी जुमला आप एंड पे कर दो. ठीक है, मुश्किल तो नहीं लगी इसे करते हुए. जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं. ठीक है, अगर हम हैज के फौरन बाद नॉट लगा दें, हैड के फौरन बाद नॉट लगा दें, विल के फौरन बाद नॉट लगा दें, तो वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे. पीछे जो मैंने एग्जांपल्स करवाई हैं, उन्हीं को मैंने नेगेटिव भी बनाया है, उन्हीं को इंटरोगेटिव भी बनाया है. ठीक है, और हैज, हैड और विल, इन तीनों को जुमले के शुरू में ले आओ, तो वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे. और एंड पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है. ठीक है, मैंने यहाँ पे सारे नेगेटिव और इंटरोगेटिव बना दिए हैं, और थोड़ी टाइम की कमी की वजह से आज मैं इसको नहीं कर पाऊंगी. आप इसको खुद कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा जुमले बनाएं और उनकी प्रैक्टिस करें. ठीक है, आपने जहन में ये स्ट्रक्चर रखना है इसका, इट हैज बीन, इट हैड बीन या इट विल हैव बीन. फिर उसके साथ टाइम आएगा, फिर टू समवन, जिसको भी, जिसके बारे में भी ये जुमला है. ठीक है, फिर जेरेंड आ जाएगा और एंड पे बाकी जुमला आ जाएगा. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जुमले बनाएं, इनकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये जुमले बनाने और बोलने आसान हो. ठीक है, आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही बहुत है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन में फिर मिलेंगे. अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.